हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं वो थोड़ी सी मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी। देखिए, 10 इंडियन स्टेट जीडीपी वर्सेस वर्ल्ड कंट्रीज जीडीपी, मतलब ऐसा मुमकिन है कि कुछ स्टेट्स ऐसा जीडीपी बना रही है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं वर्ल्ड जीडीपी से, दुनिया के कुछ कंट्रीज के जीडीपी से। टॉप 10 इंडियन स्टेट्स जीडीपी मोर देन सम कंट्रीज जीडीपी, मतलब कि कुछ कंट्रीज से ज़्यादा ये लोग जीडीपी बना रहे हैं इंडिया की कुछ स्टेट्स। तो ये टॉप 10 ली गई है उसमें से, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। A1 इंडियंस का ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर तबसरा करेंगे। दोस्तों, किसी भी देश, राज्य या शहर के आर्थिक हालातों का अंदाजा वहाँ की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखकर लगाया जाता है। इस समय दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि इस देश की जीडीपी करीबन 25 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं भारत करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 5वें नंबर पर है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जीडीपी के मामले में भारत से आगे हैं। वहीं दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जिनकी जीडीपी भारत के छोटे राज्यों से भी कम है। आज की इस वीडियो में हम भारत के वो 10 राज्य आपको बताने वाले हैं जो जीडीपी के मामले में कई देशों को टक्कर देते नजर आते हैं। क्या आपका राज्य भी इन 10 राज्यों में आता है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र को भारत के सबसे अमीर राज्य का दर्जा हासिल है, जिसकी जीडीपी 450 बिलियन डॉलर है। अगर इस राज्य की जीडीपी को दुनिया के किसी देश के जीडीपी से कंपेयर करें तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जीडीपी इस समय 460 बिलियन डॉलर है। इस देश की जीडीपी महाराष्ट्र से केवल 10 बिलियन डॉलर ही ज़्यादा है। पाकिस्तान भी जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र से पीछे है। पाकिस्तान की जीडीपी इस समय 376 बिलियन डॉलर है। नंबर 2, तमिलनाडु। दोस्तों, साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु की जीडीपी इस समय 310 बिलियन डॉलर है। इस राज्य को भारत का फैक्ट्री स्टेट कहा जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज के मामले में ये देश में पहले नंबर पर स्टैंड करता है। जीडीपी के मामले में तमिलनाडु साउथ अफ्रीकी देश चिली के बराबर है, जिसकी जीडीपी 317 बिलियन डॉलर है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करीब 24 करोड़ की आबादी के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी की जीडीपी 294 बिलियन डॉलर है। वर्ल्ड लेवल पर देखें तो यह इराक और चेक रिपब्लिक के बराबर है। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक की जीडीपी 296 बिलियन डॉलर है और वेस्टर्न एशियाई देश इराक की जीडीपी 297 बिलियन डॉलर है। नंबर 4, गुजरात। दोस्तों, गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। यह देश का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। गुजरात की जीडीपी 260 बिलियन डॉलर है। अगर गुजरात को किसी देश से कंपेयर करें तो यह पुर्तगाल है, जिसकी जीडीपी 255 बिलियन डॉलर है। नंबर 5, कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक को भारत का आईटी हब कहा जाता है, जिसका भारत के टोटल आईटी एक्सपोर्ट में योगदान 38% से भी ज़्यादा है। कर्नाटक की जीडीपी 243 बिलियन डॉलर है। इस राज्य की जीडीपी न्यूजीलैंड और पेरू के बराबर है। न्यूजीलैंड की जीडीपी 242 बिलियन डॉलर है, जबकि पेरू की जीडीपी 240 बिलियन डॉलर है। नंबर 6, वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न इंडिया के राज्य वेस्ट बंगाल की जीडीपी 220 बिलियन डॉलर है, जो साउथ ईस्ट यूरोपीय देश ग्रीस के बराबर है। ग्रीस की जीडीपी इस समय 222 बिलियन डॉलर है, जबकि आबादी के मामले में ग्रीस वेस्ट बंगाल से 9 गुना छोटा है। नंबर 7, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों की जीडीपी लगभग एक बराबर है। राजस्थान की जीडीपी 174 बिलियन डॉलर है, जबकि आंध्र प्रदेश की जीडीपी 170 बिलियन डॉलर है। अगर इन्हें किसी देश से कंपेयर करें तो यह यूरोप के देश हंगरी के बराबर हैं, जिसकी जीडीपी करीब 180 बिलियन डॉलर है। नंबर 8, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। राज्य की जीडीपी वर्तमान में 150 बिलियन डॉलर है। वर्ल्ड लेवल पर एमपी की जीडीपी अफ्रीकी देश मोरक्को से थोड़ी ही ज़्यादा है। मोरक्को की जीडीपी 143 बिलियन डॉलर है। नंबर 9, केरल। दोस्तों, मसालों के लिए प्रसिद्ध साउथ इंडिया का केरल भी इस लिस्ट में है। केरल की जीडीपी 130 बिलियन डॉलर के अराउंड है। दोस्तों, केरल की जीडीपी अफ्रीकी देश अंगोला के लगभग बराबर है, जिसकी जीडीपी 125 बिलियन डॉलर है। नंबर 10, हरियाणा। दोस्तों, उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा की जीडीपी वर्तमान में 120 बिलियन डॉलर है। जीडीपी के मामले में यदि हरियाणा को किसी देश से कंपेयर करें तो यह पोर्टरिको के बराबर है। पोर्टरिको साउथ अमेरिका में कैरेबियन आइलैंड कंट्री है, जिसकी जीडीपी 118 बिलियन डॉलर है। तो दोस्तों, ये हैं भारत के वो राज्य जो जीडीपी के मामले में बड़े बड़े देशों को भी टक्कर देते हैं। क्या आपका राज्य भी इस लिस्ट में है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल एबन इंडियंस को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड यार, देखें भारत कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इस जीडीपी के मामले में।
बाकी ये तो बिल्कुल रियल बात निकली है। कई देश जो हैं वो उसके स्टेट्स के बराबर कर रहे हैं और सारी स्टेट्स को ले लेके इन्होंने नापा। बहुत अच्छे स्टेटिस्टिक्स इन्होंने दिखाया और बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। बहुत जबरदस्त वीडियो थी, इसके अंदर यानी काफ़ी कुछ जानने को मिल गया ऑलरेडी। गाइस चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इनको भी और मेरी वीडियो को भी प्लीज़, ताकि हम और आगे बढ़ें और इस तरह की कई वीडियोज़ का देखते रहें और सफ़र में साथ साथ चलते चले जाएँ। चलें अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।